1% विन रेट आप यूपीएससी की तैयारी करोगे वहाँ भी है, 1% विन रेट आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे यहाँ भी है। आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है, मेरे पापा की सब्जी की दुकान है, वो भी चलाते हैं। तो उसके बाद मैंने बाइक लिया था, पापा को भी गाड़ी गिफ्ट किया था। अभी आपने एक और गाड़ी लिया शायद, अभी मैंने हाँ हैरियर लिया, टाटा हैरियर। 40 लाख के लॉस के बाद कितना बना लिया फिर? जून जुलाई तक ऐसे चल रहा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में ऑलमोस्ट मैंने फिर जो प्रॉफिट बनाया था अराउंड 1 CR के आसपास, 93 लाख के आसपास। ये प्रॉफिट कह रहे हो आप? हाँ प्रॉफिट बनाया। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे को यहाँ बुलाया और मौका दिया अपने चैनल पे बात रखने का। और मैं, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल स्टॉक बंडर, और वो मैंने उसमें मैं बेसिकली ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा। और मेरा वैसे नाम दिनेश किरोला है, मैं उत्तराखंड में एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ से अच्छा। बिलोंग करता हूँ। तो उससे पहले मैं डिफेंस में रहा हूँ, मैंने 2018 से 2022 तक डिफेंस में सर्व किया है 4 साल, और अभी 2022 से मैंने क्विट किया था जॉब, फिर मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया हूँ। अच्छा, मतलब आपने पिछले साल ही जॉब क्विट करी है? यस। तो आप अपनी पूरी स्टोरी बताइए कि आप किस तरीके से डिफेंस में गए, फिर किस तरीके से अभी आप ट्रेडर है, तो किस तरीके से आप ट्रेडिंग करनी शुरू करी, कैसे सीखी, वो सब बताइए आप पहले। तो डिफेंस में उत्तराखंड में एक आपके पास एक ऑप्शन रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन कह सकते हो। अच्छा। यंगस्टर के लिए कि फौज में जाना है। Okay. तो क्रेज होता है बहुत ज्यादा। हाँ। तो मेरा भी वही था कि हाँ फौज में जाना है। पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, फिर मैं धीरे धीरे क्रॉस कंट्री में चला गया, क्योंकि बैडमिंटन में मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं वो गेम अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं। फिर मैं क्रॉस कंट्री में चला गया, क्योंकि मेरी फिजिक अच्छी थी, दौड़ता था, तो क्रॉस कंट्री में दौड़ने लग गया। मैंने 11th तक की स्कूलिंग किया, 12th मैंने प्राइवेट किया है। अच्छा, क्योंकि मैं दौड़ता था तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था स्कूल जाने का, तो मैंने प्राइवेट ही किया। और उसी के साथ साथ फिर मैंने क्रॉस कंट्री में ऑलमोस्ट स्टेट लेवल पर खेला है, नेशनल मेडल से मेरे पास नेशनल पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे को एक बेनिफिट मिल गया था स्पोर्ट्स कोटा का। अच्छा। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मैं डिफेंस में गया एट द एज ऑफ 18, 18 साल में मैं ज्वाइन कर चुका था अभी डिफेंस। आपकी क्या एज है? अभी ऑलमोस्ट 23 हो जाएगा। ओके ओके। तो मतलब 3-4 साल पहले की बात जी। ओके। तो 18 में मैंने डिफेंस ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स कोटा से, और डिफेंस में मैंने ट्रेनिंग किया 2018 से 19 ट्रेनिंग किया। 20 में मैं जम्मू में पोस्टेड हो गया, आपका LOC कहा जाता है जिसको। हाँ हाँ और वहाँ पोस्टेड था क्योंकि मेरी यूनिटी वहीं थी, तो मैं डायरेक्ट वहीं गया था। मैं फौज में जाने के बाद मैंने दौड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है घर पे, तो स्पोर्ट्स करोगे तो वो आप दे नहीं पाओगे, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खर्चा खुद पर करना पड़ता है। तो वो मैंने किया नहीं कंटिन्यू स्पोर्ट्स, तो मैं यूनिट चला गया, मैंने यूनिट ज्वाइन कर लिया। तो फिर वहाँ धीरे धीरे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था यूनिट में ड्यूटी के दौरान, जिसकी वजह से एक मेडिकल कैटेगरी में मैं आ गया। क्या इंसिडेंट था? वो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें। तो अच्छा। मेडिकल कैटेगरी मतलब कि आपको आपको वेपन से रिलेटेड काम नहीं दिए जाएंगे। ओके। आपको ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, बाकी जो भी आपका दूसरा काम कर सकते हो, मतलब लेकिन ड्यूटी पे नहीं जा सकते, ड्यूटी पे नहीं जा सकते आप उसके ऑफिशियल, मतलब जैसे ऑफिस में वर्क वगैरह। हाँ। ओके ठीक तो है। वहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम मिला देखने का, थोड़ा यूट्यूब वगैरह देखना और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें, वैसे तो बैन है अभी वहाँ, लेकिन हाँ। उस टाइम पर नहीं था। अच्छा। तो मैं देखता था, तो ऐसे ही मेरे को यूट्यूब पे एक शॉर्ट दिखा। अच्छा। ट्रेडिंग का घनश्याम सर का था। अच्छा, घनश्याम टेक्निकल। हाँ वो शॉर्ट था, अराउंड ऐसे ही कुछ 20 लाख के आसपास का प्रॉफिट का था मे भी। तो वो देख के मैं एकदम से इंस्पायर हुआ, एकदम से मोटिवेट हो गया कि यार ये एक दिन में कैसे बन गया पैसा। अच्छा। वो भी एक दिन का, उन्होंने बोला आज का मेरा तब, मैंने मैं वही देखा कि यार एक दिन का बनता है तो ये क्या चीज़ है। अब हुआ थोड़ा सा अंदर से, मैंने सर्च किया चीज़ें, तो मुझे पता चला कि ये ऐसा टर्मिनल है, यहाँ पे ऐसे ट्रेडिंग होती है, ऐसे इंट्राडे में पैसा बनता है। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, और ये बात है दिसंबर 2020 की। मैंने जो फर्स्ट सबसे जो मेरा छोटा ट्रेड था अरविंदो फार्मा में था, 30 रुपये का प्रॉफिट, तो मुझे लगा कि हाँ सच में पैसा बनता है। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया, मैंने उसको बताया कि यार ऐसे ट्रेडिंग एक चीज़ होती है, वो उसने कहा भाई तो मैं पहले से ही करता हूँ। ओके। तो पहले से ही करता हूँ, मैंने कहा तो फिर मुझे बता। उसने कहा भाई बर्गर किंग का IPO आने वाला है, दिसंबर में आया था तो उसमें पैसा लगा, जिस दिन आएगा। तो उसने बैक टू बैक अपर सर्किट मारा था, तो मैंने खरीद लिया था, 80,000 रुपये के आसपास कुछ डाला था मैंने। मेरे को उसमें 18,000 का प्रॉफिट है 2 दिन के अंदर, मेरी आंखें चमक गई वहाँ पे। मैं कह रहा बिना कुछ किए, बिना किसी चीज़ के पैसा बन गया है। मेरे को लगा, मेरे को वो चीज़ बहुत अलग एकदम से हिट कर गई कि भाई हम तो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हमें महीने महीने के एंड में मिलता है, ये एक दिन में मिल रहा है, क्यों ना इधर से ध्यान छोड़ के हम ये करें। तो मैं वहाँ से स्टार्ट किया, वो पहला प्रॉफिट 18,000 का मेरे को हुआ। तो उसको उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे ही बन जाता होगा। फिर मैंने
उसके बाद से कैपिटल डालना स्टार्ट कर दिया, तो जो 80,000-1,00,000 बन गया था, तो स्टार्ट किया, तो मतलब ऑलमोस्ट उसी महीने के एंड तक मेरा 1,00,000 का लॉस हो चुका था। अच्छा, तो वहाँ से मेरी ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो फिर जब आपने ट्रेडिंग वगैरह शुरू करी, आपने जो बताया आपने करीबन 18,000 रुपीज कैपिटल लगाया था, 80,000 लगा, मतलब कैपिटल था वो। हाँ, तो वो कैसे अरेंज किया था आपने? नहीं, मैं डिफेंस में सर्व कर रहा था, तो मेरी सैलरीज थी मेरे पास। अच्छा, तो सैलरी के थ्रू यूज किया, डायरेक्ट लोड अकाउंट में डाला। अच्छा, लगाने के लिए रिस्क लेकर, मतलब मेरे को बोला था, मैंने पहले बना के देखा था ना कि 30 रुपए बन गया था मेरा ट्रेड करके, तो मैंने सोचा कि हाँ यार इतने से बनना है, तो अब लगाते ही बड़ा पैसा, मैंने लगा दिया, बन गया। उसके बाद लॉस भी हो गया। हाँ, उसके बाद उसी महीने में लॉस भी हुआ, तो ऑलमोस्ट। उसके बाद आपने किस तरीके से ट्रेडिंग को आगे लेके गए, मतलब जैसे अभी तो आप फुल टाइम ट्रेडर हो ना? हाँ, तो उसके बाद कंसिस्टेंट लॉस वाली जर्नी चली थी। 2000 उस महीने के एंड में मेरे पास लॉस था, तो मैं उसको कवर करने के मैंने और मेरा पैसा अकाउंट में था, 2020 में लॉस, दिसंबर में लॉस था, तो कवर अप करने के लिए और पैसा लगाना शुरू किया। हाँ, और पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास रखा था अकाउंट में पैसा सैलरी का, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा ये गया है तो फिर करते ट्रेड। तो मैं उसके बाद में घुस गया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मतलब मेरे को पता नहीं था ना कि सर ने ट्रेड किस में किया था, मैं फिर सर्च किया उनका चैनल। अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये तो एसएस में कर रहे हैं, ये तो सीपी लिखा है, तो वो मेरे को फिर वहां से इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, मैं गलत किया था ट्रेड, ये सही है सीपी वाला, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर मैं वहां से ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला ही कैपिटल 1,00,000 रुपए का लेके चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे 1,00,000 का लॉस था, तो मैंने सोचा कि यार 10-20,000 डालूंगा तो नहीं होने वाला, तो अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाल के मैं उसको कवर करने के लिए चला गया, और वो वाइप आउट, पूरा वाइप आउट। तो वहां से धीरे धीरे करके अब वो 2,00,000 का लॉस हो चुका था, एंड देन 2,00,000 को कवर करने के लिए अब उतना पैसा था नहीं, तो फिर मैंने कहा अब 2,00,000 कैसे कवर किया जाए, है ना। भाई स्टार्टिंग का जो 1,00,000 था उससे मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया था, लेकिन फिर बाद में वाइप आउट हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। हाँ, तो अब इसको कैसे कवर किया जाए, तो मेरे को वहाँ पे एक ऑप्शन दिखा लोन का, तो मैंने वहाँ पे एक लोन लिया था, 8,00,000 रुपए का लोन लिया था, योनो SBI से मिल जाता है डायरेक्ट, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। अच्छा, वन क्लिक OTP डालो, लोन तुरंत अकाउंट में ले लिया। अब मेरे को इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा 8,00,000 रुपए से करूंगा 2,00,000 तो है, इजीली कवर हो जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए लोन लिया, तो धीरे धीरे करके वो लोन का पैसा वाइप हो गया। तो ऐसे करके मैंने, मतलब अब लॉस पे लॉस करे जा रहे थे। हाँ, बैक टू बैक, मतलब तो दिमाग में ऐसा नहीं आया कि यार इतना लॉस हो रहा है अब तो छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई थी कि छोड़ देना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चीज आ रहा था कि बन क्यों नहीं रहा अब। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को बिना कुछ किए 18,000 रुपए मिल गया, तो अब बन क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इतना इजी है, से पहले दिन बना था तो अब क्यों नहीं बन रहा है? और जा रहा है तो मेरे दिमाग वही था कि बनेगा, किसी दिन तो बन रहे थे, जिस दिन बन रहे थे वो जो पिछला जितना गया हुआ है पैसा वो सबको भुला देता था। जैसे आज 20,000-30,000 बन गए, पिछले मैंने 50,000 उड़ा रखा है, तो मुझे लग रहा है 20-30,000 जो बना है, मतलब जब आपने 1,00,000 का लॉस किया तो कुछ ना कुछ बन रहा था छोटा मोटा, बन रहा था, तो वो चीज वो लॉस को भुला देती थी कि यार हाँ ऐसे बन रहा, तो इसका मतलब बन सकता है, होप देखती थी बन सकता है, बना लेंगे। लेकिन इसी होप में आपने 8,00,000 वो भी लॉस कर दिया, 8,00,000 लॉस किए, फिर 8,00,000 अब तो 10,00,000 हो चुका है। फिर उसको कवर अप करने के लिए मैंने वापस से लोन लिया। अच्छा, मेरी 15,00,000 की लिमिट होती है, तो 7,00,000 का और लोन लिया। अच्छा, तो वो भी चला गया। अच्छा, और फिर उसको कवर अप करने के लिए अब मैं कुछ प्रॉफिट्स बनाता था, तो मैं मेरे कलीग्स थे, मतलब मेरे जितने भी बडीज थे वहाँ पे, तो उनको मैं दिखाता था मेरा प्रॉफिट बनना अच्छा खासा है, ऐसा प्रॉफिट बनना है, तो उनको लगता था ये बना रहा है पैसा, थोड़ा मेरी बातें सुन के भी लगता था कि यार ये सही में कुछ जानता है, इसको जानकारी है। तो मैंने उनसे ही पैसा लेना स्टार्ट किया, मतलब कि मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें कुछ मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट उसका दूंगा महीने का। ओके, पहले 5% बोला, माने नहीं, मैंने 10% बोला, दे दिए सीधा। तो मतलब ब्याज दोगे? हाँ। ओके, तो वो भी मैंने करीबन 8,00,000 के आसपास मेरे पास आ गया था, तो वो भी कुछ एक महीना तो ब्रेक इवन में चला, मैंने दिया, लेकिन अगले महीने वो वाइप आउट हो गया, वो भी खत्म। तो उसके बाद मैंने अब कुछ उनका कैपिटल बचा था वो लौटाया, बाकी कुछ रह गया था मेरे पास, उनका नहीं लौटाया था, तो लेकिन पैसा तो देना था। आपने नहीं, बड़ी से कितना लिया था? जो बड़ी से 8 अराउंड 10 10 10 लाख रुपीस, मतलब 1,00,000 रुपए मेरा सीधा ब्याज में जा रहा था।
क्योंकि पहले मैंने उनको बना के उन्होंने मुझे और दे दिया पैसा, तो अराउंड मेरे पास 10 लाख हो गया था जो मैंने मांगा हुआ था 10% ब्याज, मतलब 1 लाख रुपए में किस्त दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे लोन चल रहा है 27,000 रुपए, उसकी किस्त जा रही है जो आपने 15 लाख का लोन लिया था, तो 27,000 रुपए मेरी किस्त जा रही है, ठीक है। और उस वो भी जब गया पैसा तो मेरा जो आ रहा था वो तो जा ही रहा है, इसमें मेरा इंक्लूडेड नहीं है, मेरे को भी तो सैलरीज मिली है जो ऑलमोस्ट मैं घर पर रुपया दिया नहीं है, एक रुपया भी घर पर रिक्वायरमेंट है, मैं उनको कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं है, मैं इसी प्लान कर रहा हूँ, ऐसा प्लान कर रहा हूँ, लेकिन वो भी गया, तो कुल मिला के अराउंड 30 लाख के प्लस में मैं जा चुका था। फिर लास्ट में मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया, क्योंकि मेरे पास तो फाइनेंशियल आने का तरीका और कहीं से था नहीं, मैंने अपने दोस्त को कन्विंस किया कि भाई मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ या मेरा ऐसा कुछ है काम, मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैंने अपने अकाउंट से ले लिया है, तो अपने अकाउंट से अगर मेरे लिए लोन ले सकता है तो भाई ले ले। और वो उसको कन्विंस किया, वो मान गया। अच्छा। उसने अराउंड 10-10 लाख रुपए का लोन अपने को डिफेंस में, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, अच्छा। अपने अकाउंट से लेके मेरे को दे दिया, और उसकी किस्त भी मैं देता था, तो अराउंड मेरी महीने की किस्त जा रही थी 1.5 लाख। अच्छा, टोटल टोटल 1.5 लाख। और मैं जो उसका पैसा आया था उसका भी ऑलमोस्ट 50% साफ हो चुका था, तो 5 लाख की कैपिटल और मैं 1.5 लाख रुपए किस्त दे रहा हूँ मेरे, और उस टाइम तक मैं ऑलमोस्ट 40 लाख के लॉस को क्लोज कर चुका था, तो ऑलमोस्ट 40-41 लाख के मेरे लॉस पे मैं चला गया था, जहाँ पर किस्त मेरी 1.5 लाख जा रही है, और हाथ पे ऑन हैंड मेरे पास 4 लाख बचा है, जो 50,000 अकाउंट पर था, 3.5 लाख रुपये मेरे पास डीमैट में था। अच्छा, तो वहीं से फिर कंटिन्यू मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि वो फेज ऐसा था जहाँ पे या तो तुम क्विट कर दो, डू और डाई सिचुएशन कहूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि आपके पास इतना बर्डन है कि आपके 40 लाख का लॉस हो गया था, बहुत ही बड़ा हो गया है लॉस तो। और भाई वो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस फेज को, वो फेज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छा मेरे को 20 लाख का सर का प्रॉफिट तो दिखा था, लेकिन मेरे को उसके पीछे की 10 साल की मेहनत नहीं दिखी थी, उसके पीछे लगा हुआ पैसा नहीं दिखा था, वो 20 लाख का मुझे भी लगा कि मैं भी बना लूंगा, लेकिन मैं जो जिस तरीके से फिर उस फ्लो में चलता गया, तो वो सारा का सारा पैसा लॉसेस में लॉस, और जो लास्ट रिमेनिंग कैपिटल था मेरे पास, अब उससे एक ही होप थी कि अगर इसके बाद कितना कैपिटल था मेरे पास, 3.5 लाख था डीमैट में, मैंने 50,000 और डाला था अपने अकाउंट से, तो मेरे पास 4 लाख का कैपिटल से वापस से मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग। तो आपने 40 लाख के लॉस के बाद फिर उसको प्रॉफिटेबल कैसे किया? वहीं से जो लास्ट रिमेनिंग कैपिटल था मेरे पास 4 लाख, और उसी से मैंने वापस से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ दिमाग में थी, मतलब थी क्या है, वो लानी ही पड़ी दिमाग में, अगर लॉस नहीं काटा तो यहाँ पर कैपिटल नहीं बचेगा, जो देना है वो दे नहीं पाओगे, फिर तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन क्या ही बचता है वो सभी को पता है। हाँ। और आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है, मेरे पापा की सब्जी की दुकान है, वो भी चलाते हैं, वो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन वो पहले से चलाते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो सब कुछ है ना, और फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे छोटे भाई बहन है, हमारे पास अभी गाँव वाला जो छत वाला घर है वही था, और अभी खुद का भी नहीं है, अभी अपार्टमेंट है लेकिन खुद का घर नहीं है, वो भी मैं अभी बनाऊंगा धीरे धीरे, बट ऐसी था नहीं कंडीशन, अगर पूरे इंटायर फैमिली से भी मांगता तो शायद ही मैं वो चीज़ दे पाता, तो वो करना तो वही था, वहीं से गया है तो वहीं से आ सकता था, इतना दिमाग में था। और वो जो लास्ट एक पॉइंट दिमाग में मैंने क्लिक किया था कि लॉस को कट कर देना है, जो एक मेजर पॉइंट था जो मैं हमेशा नोट करता था मेरे पास, जो मैंने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव किया है वो है ट्रेडिंग जर्नल, जो मैं हर वक्त मेंटेन करता था, मतलब भले ही मैंने मांगा हो किसी से, किसी को देना हो, कुछ भी करना हो, मैं लिखता जरूर था, तो उससे मुझे समझ में आया कि हाँ मैं क्या गलती करता हूँ, उस गलती में एक मेजर गलती थी कि मैं लॉसेस को होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉफिट छोटे छोटे पकड़ रहा हूँ, मैंने वहाँ से एक चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई प्रॉफिट्स जो है वो छोटी ठीक है, मेरी कैपेसिटी उतनी है, लॉस को बड़ा क्यों लेके जाऊँ मैं, लॉस को भी उतना ही कट करो ना, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट किया, और उस फेज पर तो मैं लॉस लेता ही नहीं था, मतलब ऐसा था कि ट्रेड डालो और प्रॉफिट मिला तो ठीक है, लॉस में जान लेके मैं काट देता, क्योंकि पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा, तो वही चीज़ करके मैं एक स्कैल्पिंग इसको स्कैल्पिंग कहता हूँ, अभी सभी स्कैल्पिंग कहते हैं, तो वो चीज़ मेरे वहीं से बिल्डअप हो गया था, और स्लो एंड स्टडी वो 4 से मैं उसको 3 महीने के अंदर 20 पर लेके आया, 4 लाख के कैपिटल को 20 पर टर्न किया, एंड देन मैंने मेरी सिस्टर की मैरिज आ गई थी, उसमें से मैंने 8 लाख रुपये सिस्टर की मैरिज में दिया, तो 12 लाख से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया, अभी भी मैं लॉस में था, लेकिन मैं उस टाइम पर मैं जॉब छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे एक बार दिख गया ना कि 4 से मैंने 20 बना दिया है, और अभी भी आप EMI दे रहे थे। हाँ, दे तो EMI दे रहा था। अच्छा। लेकिन 4 से मैंने 20 बना दिया, तो अब मैंने दे दिया, 12 बचा है, तो
अब मैं बना लूंगा, एक कॉन्फिडेंस आ गया था। वहां पे मैंने जॉब छोड़ा और वहां से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो 40 लाख के लॉस के बाद कितना बना लिया फिर? 20 के 20 तो बना लिया उसके बाद? नहीं, उसके बाद ही बहुत स्ट्रगल फेस किया। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं किया, क्योंकि फुल टाइम आप करते हो, फुल टाइम मतलब ये नहीं कि पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है। वहां तो पार्ट टाइम तरीके से काम भी कर दो, छोटा मोटा देख भी दो, लेकिन फुल टाइम आप स्क्रीन के सामने हो, इट मीन्स वो एक बार वापस से ड्रॉ डाउन चीजें आएंगी, क्योंकि आप मार्केट आपको बुलाएगा, आप करोगे चीजें। बहुत गलतियां करता था उसमें भी, ब्रेक इवन पे चल रहा था मैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कवर अप नहीं हुआ। लेकिन 2022 जून जुलाई तक ऐसे चल रहा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चार महीने में ऑलमोस्ट मैंने फिर जो प्रॉफिट बनाया था अराउंड 1 crore के आसपास, 93 lakh के आसपास। प्रॉफिट कह रहे हो आप? हाँ, प्रॉफिट बनाया। रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट जो बनाया टैक्सेस के बाद। नहीं मतलब टोटल जो प्रॉफिट है, टैक्सेस अच्छा। वगैरह सब अलग जाएंगे। ओके ओके। चार महीने में मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने में लॉस कवर हो गया था। हाँ। एंड अगले 2 महीने में जितना लॉस था उतना ही प्रॉफिट आ गया था। काफी यार, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अच्छा, उसके बाद आपने फिर क्या जॉब डिफेंस पे कर रहे थे वो छोड़ दिया था? हाँ, वो छोड़ दिया था ना, फुल टाइम जब मैं कर रहा था तो मैं छोड़ चुका था जॉब, जो 12 lakh से मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया, जॉब क्विट कर चुका था। मैंने बताया नहीं था घर पे, हम उत्तराखंड में रहते हैं, वहाँ ये चीज बताओगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। डिफेंस की जॉब छोड़ना आम बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत रिपीटेटिव जॉब है वाकई। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं फेज में ऐसा था जहाँ वो मुझे करना पड़ा। मैंने आपकी जॉब स्टॉक में देखा था, शायद जब आपके पास 12 lakh रुपए या कुछ ऐसे थे तो आप पीजी में बैठ के ट्रेडिंग करते थे। पीजी में मेरा उसका भी किराया 10,000 हो जा रहा था। अच्छा। खाना पीना रहना, अकेला रूम था, मैंने बताया नहीं था किसी को मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। लोगों को लगता था, रिलेटिव्स को लगता था ये जॉब पे, लेकिन मैं मतलब छुप के अंडरग्राउंड होके कर रहा था। फिर मैंने रील्स, मेरे प्रॉफिट्स बनने लगे, फिर मैंने रील्स सेल्स छोटी शेयर करने लगी, तो लोगों को दिखने लग गया कि हाँ ये कुछ कर रहा है। दोस्तों, जैसे दिनेश भाई ने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करी थी, आप भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। अगर आप मेरे से पूछो तो यार मेरे को एक प्लेटफॉर्म पता है जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, जिसका नाम है एम स्टॉक बाय मिराय एसेट। जहाँ पे आप कितने भी ट्रेड करो आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज फीस नहीं देनी होती। एम स्टॉक पे करीबन 1 साल से 12 crore प्लस के ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं और इनपे करीबन 2.5 lakh से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। तो अगर आपको एमस्टॉक से अपनी जर्नी शुरू करनी है, ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है आगे जाके, तो आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आज ही खुलवा सकते हो, जिसकी जो कीमत है वो 999 rupees है, जिसमें आपको जिंदगी भर लाइफ टाइम कोई ब्रोकरेज फी नहीं देनी पड़ती। अब देखो, एमस्टॉक पे ना आप हर तरीके के प्रोडक्ट पे जितना चाहे उतना ट्रेड कर सकते हो, जैसे इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जितना चाहे उतना ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर आप एडिशनल 999 rupees पे करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए AMC नहीं पे करना होगा, जो कि आप हर साल पे करते होगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर। लेकिन आप सोच रहे हो यार उमर मैं न्यूबी हूँ और शायद मैं इतना ज़्यादा ट्रेड ना करूँ, तो आप इनके बिल्कुल फ्री प्लान से भी शुरुआत कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे और करेंसी पे 20 rupees की ब्रोकरेज फीस जो होती है वो पे करनी पड़ेगी। यार ब्रोकरेज की इतनी बात हो रही है, क्या मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ कि आप कितना पैसा बचा सकते हो ब्रोकरेज पे हर साल? तो यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ, और अगर हम लेट सपोज मान के चलते हैं हम इंट्राडे कर रहे हैं और हम हर दिन 20 rupees का ब्रोकरेज दे रहे हैं पर ऑर्डर, और लेट सपोज हम 10 orders भी ले रहे हैं, तो यहाँ अब देखो हम एयरली 48,000 rupees सेव करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। एमस्टॉक बिना आपको मार्जिन ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% जो कि इंडस्ट्री का लोएस्ट है, और इसमें आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे 1-click ऑर्डर प्लेसमेंट एंड एग्जीक्यूशन, और साथ ही साथ आपको प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आप वॉइस सर्च करके अपने जो फेवरेट स्टॉक है उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो यार वेट किसका कर रहे हो, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाके अपना जो अकाउंट है एमस्टॉक पे ओपन कर लो और शुरुआत करो ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग की। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब प्रॉफिट दिखाया आपने? हाँ, वो मैं लास्ट ईयर ये अक्टूबर में ही फैमिली के पास गया हूँ, उससे पहले तक मैं नहीं था। जब मैंने पूरा रेवेन्यू बनाया, मतलब पूरा प्रॉफिट किया, मतलब मेरे पास दिखाने लायक था कि मैं इतना कर चुका हूँ, ताकि वो कुछ बोले ना और रिलेटिव भी कुछ बोल ना सके, तो उतना मैंने जब किया तब जाके मैंने अपने आप को आगे लेके आया कि हाँ मैं किया है। अब रिएक्शन क्या था, उनको दिख गया कि पैसा बना रहे हैं, उनके लिए मेन चीज़ है कि हाँ अब जो भी कर रहे हो वो फैमिली वाले भलाई चाहते हैं अपने बच्चे का। सही बात है, बना रहे, तो फिर इतना कुछ था नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप ये पूरी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे थे, जैसे आपने 40 lakh का लॉस किया, आपको हर महीने EMI देनी पड़ रही है लोन की, रेंट है, तो किस सिचुएशन थी आपकी माइंडसेट की, और कैसे आपने, कहते हैं ना अपने आपको, क्या कहते हैं उसको,
फिक्स किया, क्योंकि देखो उस सिचुएशन में आपको बहुत सारे थॉट्स आते होंगे। बिल्कुल आते हैं भाई, कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ, क्या चल रहा है। और मैंने जहाँ तक सुना है ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या माइंडसेट था जो कि आपको सक्सेसफुल बना दिया ट्रेडिंग में? हाँ, वो फेज ऐसा था कि आप ना किसी को बता सकते हो, काम भी तुमने वहाँ का जो ड्यूटीज है वो करनी करनी है, उसके साथ अपने ट्रेड्स भी देखने हैं, क्या चल, लॉसेस भी फेस कर रहे हो, घर से फोन आ रहे कि रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल ऐसे ऐसे, उनको भी आप झूठ बोल रहे हो, कोई दोस्त लोग हेल्प मांग रहे उसको भी झूठ बोल रहे हो, जो कह रहा है कि बना रहा है जिससे पैसा मांगा उनसे भी झूठ बोल रहे हो। तो मतलब ऐसी आदमी अंदर ही अंदर अपने आप में ही वो जो घुटन टाइप की होती है ना, वो चीज़ें होती थी, बहुत वो वाला फेस रहा है। और वो ट्रेडिंग में होता है, जो लॉसेस में है, जितने भी लोग लॉसेस में वो इसको फील कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उससे रिकवर करना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप हार मान जाओगे ना कि आप तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो वहाँ पर आदमी फिर वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपके अंदर है कि यार करना तो है, क्योंकि वो इसलिए करना था क्योंकि भाई उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे पास कुछ। 40 लाख मेरे को कौन देगा, कहाँ से मैं निकालूंगा, क्या ऐसा चीज़ है मेरे पास ना, मैं 12th पास हूँ, 12th में मैंने प्राइवेट किया हुआ है, मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँगा, क्या चीज़ दे सकता है मेरे को। या मैं डिफेंस पर काम जॉब कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ, मैं उससे कहूँगा कि मुझे ज़्यादा दो, ऐसा होगा नहीं, उनको चीज़ है, वो चीज़ उनको थोड़ा पता है, मैंने अपने उस पर बेसिस पर की हैं सारी गलतियां, तो मुझे निकालना भी वहीं से है। तो वो चीज़ दिमाग में था कि यहाँ करना है तो यहीं से करना है, दे यही सकता है, लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन ही वही है। तो धीरे धीरे करके किया अपने आप को स्टेबल, अपने आप को लगता है कि आपका जो आर्मी वाला माइंडसेट था उसने काफ़ी हेल्प करी। हाँ, वहाँ ना हार मानने का, रोना नहीं सिखाते। हाँ, वहाँ आप, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि वहाँ पर अगर आपका मोरल डाउन है तो आपकी पूरी टीम का मोरल डाउन हो जाएगा। तो आप कैसा भी फेस कर रहे हो, आपको हमेशा हंसते हुए रहना पड़ेगा, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तो वही चीज़ शायद मेरे को हेल्प किया। तो जैसे अभी आप लेट सपोज करीबन 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो जी, है ना, तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन में कितना बना है और हाईएस्ट लॉस कितना गया है? अक्टूबर का महीना था 2022, हाईएस्ट प्रॉफिट 22 लाख इन अ डे। अच्छा, उसी के बाद में घर गया था। अच्छा। क्योंकि वो मैंने पापा को स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ। पापा को यकीन नहीं हुआ, और सभी को बना रहे घर आने के लिए कुछ कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैंने उसको जब अगले दिन अकाउंट विदड्रॉल करके फिर भी दिखाया पापा को, तो उन्हें कहना कि हाँ सच में पैसा बना, सच में पैसा है, 22 लाख रुपए एक दिन में। एक दिन का ओवरनाइट पोजीशन थी। अच्छा, डबल हो गई थी। कितना कैपिटल था उसमें? 20। अच्छा, 20 लाख था। हाँ, 20 लाख था। और उससे उसी महीने में 18 लाख का लॉस भी था एक दिन का। अरे, उसी महीने में? उसी महीने में। और सेम मंथ का जो मेरा प्रॉफिट था 27 लाख। सही है, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिटेबल तो थे एट द एंड। तो अगर लेट्स सपोज किसी को अभी भाई ट्रेडिंग शुरू करनी है जी, और आप तो स्कैल्पिंग करते हो जी, तो अगर किसी को शुरू करना है तो कैसे कर सकता है, अगर आप उनको कुछ गाइडेंस दे पाओ? देखो, पहली चीज तो अट्रैक्ट नहीं होना है आपको, जो दिखता है कि हाँ, जैसे अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो लोग देखते हैं कि हाँ ये दिन का इसके लाख रुपए का प्रॉफिट बनना है ना, तो मैं साथ साथ मेरा जो डेली का होता है मैं दिखाता हूँ। तो मतलब आपको अट्रैक्ट नहीं होना कि चीज़ों से कि यार आपका आय और प्रॉफिट से अट्रैक्ट नहीं होना है। पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी से भी इंस्पायर हो रहे हो, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको देखना पड़ेगा इसने टाइम कितना दिया है, इसका दौर कैसा गुजरा है उस स्टेज पे पहुंचने तक का। तो सबसे पहला चीज़ होता है लर्निंग, बेसिक से चीज लर्निंग स्टार्ट करोगे, और लर्निंग के साथ साथ आपको मार्केट के को कमाने के लिए नहीं, पहले देने के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, मेरी गलती थी, मैं आया कमाने के लिए, लालच में आया था ना, मेरे को दिखा तो मैं लालच में आ गया कि हाँ यार मैं भी बना दूंगा। मैं सीखने आया होता शायद मेरे को चीज़ समझ में आती यार इसको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, मैं तो रोज कमाने के लिए घुसता था। लेकिन स्टार्टिंग में आप मार्केट को देने के लिए आओ, मार्केट को कुछ देने के लिए कैपिटल लाओ, और उसके बेसिस में मार्केट से सीखो। ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ग्रोथ है, मतलब आप इसमें करियर बना सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आए सोचा एक दो महीने में कमा लोगे, ऐसा नहीं होता। 1% विन रेट आप UPSC की तैयारी करोगे वहाँ भी है, 1% विन रेट आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे यहाँ भी है, मेहनत दोनों जगह लगती है। अच्छा, अगर कोई बंदा नया ट्रेडिंग के बारे में जान रहा है जी, तो आप क्या बताओगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और इसमें कितने तरीके की ट्रेडिंग करी जाती है? जैसे बहुत सारी होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग, अलग अलग चीज़ें। ट्रेडिंग बेसिकली आप एक ही दिन में प्रॉफिट और लॉस करके निकलते हो, सिंपल सा है कि एक दिन के अंदर आपको, आपने अपना कैपिटल कुछ डाला मार्केट में,
और उसको किसी भी शेयर को 100 रुपए पे उठाया, 102 पे बेचा आपने, 2 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए पे उठाया 98 बेचा आपने, 2 रुपए का लॉस बनाया। तो वही है कम्प्लीटली ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग आप शेयर्स में कर सकते हो, इक्विटी कहते हैं इसको कैश में, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, और आपका कॉमोडिटीज़ में कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं, अलग अलग है। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग इज लाइक आप कम टाइम में, टाइम भी आपका कम होता है, टाइम फ्रेम भी आपका स्मॉल होता है कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में आप ट्रेड लेके ले भी दे और एग्जिट भी कर दे, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी कम आपको मिल रहे हैं, मतलब 2-4 पॉइंट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे। बस ये है कि कैपिटल बड़ा होता है, बड़े कैपिटल से कम टाइम में कम पॉइंट्स लेके आप अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट निकाल के आ जा रहे हो मार्केट से, वही स्कैल्पिंग है। तो आप शुरुआत से स्कैल्पिंग करते हुए आ रहे हो? हाँ, मेरे को जब से मैंने अपना लॉस स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाला फेज मेरा शुरू हुआ था वो स्कैल्पिंग से ही था। वो मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन वो कम्प्लीटली स्कैल्पिंग था, क्योंकि मैं क्या करता था, लॉसेस होते थे काट देता था, छोटे छोटे प्रॉफिट होता था वो भी छोटे छोटे काटता था, तो छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, वो इक्वल टू स्कैल्पिंग। ओके, तो अगर किसी को स्कैल्पिंग शुरू करनी है तो कैसे कर सकता है? लेट सपोज उन्होंने डीमैट अकाउंट बना लिया। नहीं, स्कैल्पिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि स्कैल्पिंग इतना ज्यादा रिस्की है। ओके, एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, हेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप स्कैल्प कर रहे हो। स्कैल्प मतलब क्या, मैं जहाँ पर 1,00,000 रुपये लगा के 50,000 में 50% का रिटर्न एक दिन में ऑप्शन में बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कैपेसिटी है 50,000 बनाऊंगा, वहीं आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। उसी 50,000 को बनाने के लिए आपको 10,00,000 रुपये डालना पड़ेगा, और 10,00,000 मतलब अगर आपकी बनाने की कैपेसिटी 5%, तो 10,00,000 लगा के 5% जब आप बनाओगे एक स्कैल्प में, तब जाके आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप रिस्क पर कितना लगा रहे हो, 10,000 रुपये। तो स्कैल्पिंग मैं तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा, स्कैल्पिंग करनी नहीं है। वो मुझे पता है ना, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना रिस्क होता है। एक दिन में आप 2-4-5-10% करके बनाते हो, लेकिन एक दिन में 20% उड़ जाता है, उसके बाद अपने आपको मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। मेरे साथ अभी भी होता है, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे, मैं हर चीज़ मेरा जैसा होता है, जैसे लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स वाले महीने हैं और उसके बाद प्रॉफिट वाले, ये जैसे ये महीना है लॉस में गया है, जाएगा, क्योंकि होता ही होता है। तो स्कैल्पिंग तो रिस्की है, आप इक्विटी में करो, ऑप्शंस में करो, हेजिंग करके करो स्कैल्पिंग। जब आप शुरुआत वहाँ से करो, हाँ वहाँ से करो, जब आपका टाइम हो जाए मार्केट में, टाइम स्पेंड कर लिया हो, आपको समझ में आ जाए चीज़ें, तब आप स्कैल्पिंग में जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है स्कैल्पिंग की? क्योंकि मैं आपके यूट्यूब पे कमेंट्स देख रहा था जी, वहाँ पे मोस्टली लोग यही पूछ रहे थे कि भाई क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, बताओ। यार देखो, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज ऐसी होते हैं ना, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी एक स्ट्रेटजी है जो मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, वो है बिग बार स्ट्रेटजी। कि मार्केट में अभी चार्ट में कभी भी आपको एक बिग बार दिखता है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि उसके बाद मूवमेंट आता है, 1-2 कैंडल मूवमेंट दे देती है, तो आपने मैक्सिमम आप तो टाइम देखा होगा। लेकिन और स्कैल्पिंग बहुत तरीके से होता है, बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज है, क्योंकि आपने मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है, आपने 10 पॉइंट पकड़ने, तो उसके लिए आप उसके लिए 10 तरीके की स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपको स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है स्कैल्पिंग है, कि आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह। स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट कैसे बनना है। अगर स्ट्रेटजी आप प्रॉफिट के लिए देख रहे हो, इट मीन्स आप गलत डायरेक्शन हो। स्कैल्पिंग या मैं अगर आपके पास जो स्ट्रेटजी है उसका मतलब लॉस कहाँ पर कट रहा है, लॉस कहाँ पर काटना है, बस। प्रॉफिट तो आपका स्किल सेट डिपेंड करेगा, आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, मतलब लॉस नहीं होने देना। हाँ, लॉस को काटने की जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक कैंडल घूम गई ना, जहाँ आप 2-4-5% बना रहे हो, एक कैंडल घूम गई ना गलती से, आपके एंटर लेने के बाद आपने काटा नहीं, वो 20% एक ही कैंडल में उड़ा देगा। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग ना नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछ, मतलब उनका भी यही क्वेश्चन होगा कि आप थोड़े ये समझाओ यार, ये पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता, वो बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं पर कंफ्यूजन रहती है यार ये होती क्या चीज़ है। तो कुछ फंडामेंटल्स ट्रेडिंग के जो होते हैं वो आप समझा दो उनको। ट्रेडिंग के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल्स। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस जो मूव कर रहा है ना, अच्छा, चार्ट जिस तरीके से मूव करता है, उस प्राइस के मूव करने के जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे, हाँ, नीचे जा रहा है, नीचे आया तो कैसा है, क्या था इसके पीछे। क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बंदा हूँ, स्क्रीन के पीछे मेरी तरह करोड़ों हैं, उनकी भी अपनी साइकोलॉजी, उनका भी अपना थॉट प्रोसेस है। सही बात है ना। तो प्राइस उस साइड में भाई का, जिस साइड ज्यादातर लोग सोच के पैसा डालेंगे, है ना। तो वो जो प्राइस का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने को ही आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न से, चार्ट पैटर्न से,
कि चार्ट का एक पैटर्न बनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पर साइकोलॉजी चल क्या रही है ट्रेडर्स की या मार्केट की, या आप इंडिकेटर्स यूज करोगे। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स मतलब जो प्राइस आपका चल रहा है, डाटा बेस्ड होते हैं, लैगिंग होते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहूंगा कि इंडिकेटर्स पर आप ज्यादा डिपेंड ना हो, आप प्राइस पर, आप कैंडलस्टिक्स पर जितना ज्यादा काम करो, क्योंकि पहली चीज प्राइस हमें कौन बता रहा है? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पर को जितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करोगे, जितना अच्छा रीड करोगे, आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इंडिकेटर्स के बेसिस पर चलोगे मार्केट में, तो वो थोड़ा सा उतना रिलायबल नहीं है। कैंडलस्टिक का यूज किसके लिए होता है? प्राइस को रीड करने के लिए, कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आपको चार्ट देख रहे हो, चार्ट में आपको प्राइस कौन बता रहा है? कैंडलस्टिक बता रही है ना, तो प्राइस को रीड करने के लिए कैंडलस्टिक, मतलब पूरा मार्केट का बिहेवियर समझ के ही करना है काम। जी ओके। अगर वो समझ में नहीं आएगा, मार्केट का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, तो मार्केट, हम रिटेलर है, हमें फंसाने के लिए है। अगर हमसे प्रॉफिट नहीं बोला तो ये ज्यादा है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो किसी का लॉस होगा मार्केट में। तो मैं यहाँ पे और भी चीजें पूछना चाहूंगा, जैसे स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस की यहाँ आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो और कहाँ पर काट रहे हो। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाओ आप। एग्जाम्पल जैसे मैंने 100 रुपए पे कोई स्टॉक को परचेज किया और मैंने उसमें 10 लाख रुपए डाला है। ओके ठीक है, और मेरे को यहाँ से लग रहा है कि अब मूव आएगा, ये 100 से 120-130 जाएगा, लेकिन बाई चांस नहीं गया, तो मैं काटूंगा कहाँ पे? क्या मेरा ऐसा लगेगा? वो मेरे को सपोज किया कि मुझे 90 पे काटना है, मेरा 1 लाख रुपये उड़ाने के लिए तैयार हूँ इस ट्रेड में, 1 लाख रुपये मैं लॉस करने के लिए रेडी हूँ। 10% चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसको एसएल को, स्टॉप लॉस को 90 पर लगा दूंगा, तो जैसे ही 100 से प्राइस 90 आएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरे को एग्जिट करा देगा, 1 लाख का मेरा लॉस हो जाएगा वहाँ पर। और वो स्टॉप लॉस मैंने किसी लॉजिक पर लगाया होगा, मैंने चार्ट पर कुछ देखा होगा पैटर्न या कुछ कैंडलस्टिक, तो मुझे जब वो लॉजिक फेल होता हो दिखेगा, वहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ताकि मैं फंसूँ ना, ताकि मेरा बड़ा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस बेसिकली ये है कि आपको बड़े लॉसेस होने से बचाता है, और आपने जो प्लान किया हो अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आपको टाइमली ट्रेड से एग्जिट करवा देगा। अच्छा, आप इतनी सारी चीज़ें जो बता रहे हो, वो कहाँ से सीखे आपने? मार्केट से ही सीखा है, एक्सपीरियंस से, मार्केट ने ही सिखाया है चीज़ें, और बाकी यूट्यूब वीडियोज़ मैंने बहुत सारा देखा था। जब लॉस में होता है तो आदमी सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। तो मैंने यूट्यूब बहुत खंगाला है, और मैंने मैक्सिमम जितने अभी यूट्यूब पे हैं सीनियर ट्रेडर्स, मैंने सभी को देखा है। Okay. इसीलिए मैं ब्लॉग करता हूँ, तो मैं सभी से मिलता हूँ, मेरे को सबसे ही मिलना पसंद है, क्योंकि मैं लॉस वाले फेस में, जैसे ही मैंने लॉस किया, अपनी गलती से किया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सब कुछ सबको देखा है। अगर आप कोई चैनल्स बताना चाहो जिनको लोग देख सकते हैं? काफ़ी सारे चैनल हैं ऐसा। अच्छा। कुछ लेकिन मेरा जो मैं इंस्पायर्ड था जिनसे, एक घनश्याम सर, मैं तो उनसे तो शुरू किया था, सभी फैन। उसके बाद सुभाषिश सर, पावर ऑफ स्टॉक, तो ये दो चैनल मेरे, और एक भाई का चैनल, वो भी जरूर देख लेना आप। अच्छा, आप टूल्स कौन कौन से यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए? टूल्स मेरा एक इंडिकेटर यूज होता है, okay. मूविंग एवरेज, और उसके अलावा मैं प्योरली कैंडलस्टिक पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। आप कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करते हो? ज़ीरोधा। ज़ीरोधा, ओके। मतलब वो मैं स्टार्टिंग से किया है, तो वो ही है। ओके, तो ये दो टूल्स है मेनली। हाँ, ये डीमैट अकाउंट है, टूल्स मेरा एक कैंडलस्टिक बस, और एक इंडिकेटर जो 9EMA है, वो मेरा यूज रहता है। चार्ट पर आप मेरा देखोगे तो वही की इंडिकेटर देगा। बेसिकली मैं पूरा का पूरा काम मेरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स पे है, बस उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। क्या क्या आपने जो मिस्टेक्स थी जी वो करी थी एज अ न्यू ट्रेडर, जिनको लोग अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, एज अ न्यू ट्रेडर मैंने क्या क्या मिस्टेक की थी। पहली तो मैं बिना सीखे गया था। अच्छा। दूसरा, मैं कमाने के लिए गया था ग्रीड में, लालच में। तीसरा, मेरा कोई मनी मैनेजमेंट नहीं था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। मैंने लोन लिया ट्रेडिंग के लिए, कभी मत लेना। और उसके साथ साथ मैंने अपनी मिस्टेक्स पर काम नहीं किया स्टार्टिंग में। मैं सिर्फ पैसा आए, मुझे सिर्फ पैसा दो, मैं ट्रेड करूँ, ये वाली से फेज में चला था। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सीखे बिना कुछ नहीं होने वाला, मैं सीखे बिना चीज़ें करता था, वो तो धीरे धीरे मार्केट से मैं सीखता गया, समझता गया। लेकिन स्टार्टिंग से मैं चीज़ें सीख लेता, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्राइस बिहेव करता है, कैसे कैंडलस्टिक्स चलती है, अगर मैं सब सीख लेता तो शायद मैं उस फेज में नहीं जाता। लॉसेस होते हैं लेकिन वो मैनेजेबल होते हैं, तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए मैं। अच्छा, आपने यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का बताया जी, तो अगर किसी जो ट्रेडर है वो नया शुरुआत कर रहा है जी, तो वो अपना कैपिटल, कितना कैपिटल लेके आया पहले मार्केट में, और अगर वो जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं आजकल ट्रेडिंग जी, उनके पास वो कैपिटल अपने फैमिली से लेकर आते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करें? स्टार्टिंग में कैपिटल जो एक रिक्वायर्ड है अगर आपको सीखना है, मैं तो कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में 5 to 10,000 का एक कैपिटल रखो, ठीक है, और उसको कमाने के लिए मत जाना कभी, उसको दे दो आप मार्केट में, डीमैट में डालो, और उससे
ट्रेड करो, बस टेस्ट करो, टेस्ट करो, ट्रेड करो जो आपने सीखी है। पहले आपने लर्निंग फेज किया, आपने चीजें सीखी हैं और उस चीजों को जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करो। क्या वो आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है? अगर आपके लिए काम कर रही है तो उसमें इंप्रूवमेंट करो, तो वो चीज़ चलेंगी। लेकिन वो जो पैसा जो स्टार्टिंग में लेके आ रहे हो उसे कमाने के लिए बताना, और वो बाकी कितना लेके आना है वो हर एक कैपेसिटी अलग अलग है। जितना आप स्टार्टिंग में लूज़ करने के लिए इजीली रेडी हो, और सेम चीज़ आप बार बार कर सकते हो। अगर आप 10,000 लूज करने के लिए इजीली रेडी हो और 10,000 आप 10-10 करके 3-4 बार लूज़ करने के लिए रेडी हो, तो 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। हर आदमी की लूजिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, पर स्टार्टिंग में अपना मोटा पैसा लेके बिल्कुल मत आना। अगर कोई बंदा नया है ट्रेडिंग में तो क्या वो मोबाइल से कर सकता है या उसको बड़ा सेटअप चाहिए? जैसे मैंने आपका भी सेटअप देखा था, काफी अच्छा सेटअप है, मतलब बड़ी सी स्क्रीन है, बहुत सारे लोग उसको देख के मोटिवेशन फील करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं यार क्या हम मोबाइल से कर पाएंगे? नहीं, मैंने जो लॉस वाला सारा फेस था ना, ये सब मोबाइल से हुआ था। अच्छा। मेरे पास वहाँ कुछ था नहीं, ये मैं फुल टाइम ट्रेडिंग टैब से किया। मेरे पास टैब है, 19,000 रुपये लिया था। अच्छा, उससे रियलमी का, उससे फुल टाइम ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया। तो मैं तो जनरली ये कहूँगा कि अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, फुल टाइम कि आपको सिस्टम के आगे बैठना, तो आपको एटलीस्ट एक लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए, एक फ़ोन, एक लैपटॉप, एक देखने के लिए, एक एग्जीक्यूट करने के लिए। बट आप सोचे फोन से हम फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, वो नहीं है, क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए लगा कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, आप देख सकते हो चीज़ें, टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको करियर बनाना है तो एक सिस्टम तो चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि आपके और क्या क्या इनकम सोर्सेज है, जैसे एक तो ट्रेडिंग आप कर रहे हो स्कैल्पिंग है ना, और किस तरीके से आप पैसे कमा रहे हो? ट्रेडिंग से तो मेरा चलता है, ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। बाकी मैं अभी ब्लॉगिंग करता हूँ तो यूट्यूब भी मेरे को कुछ दे देता है। बाकी थोड़े बहुत ब्रांड डील्स और सब ब्रोकर जिसको कहते हैं रेफरल, मेरे रेफरल डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक्स रहते हैं अलग अलग ब्रोकर्स के। और साथ ही साथ मैं टीचिंग में भी हूँ, सिखाता अच्छा, भी हूँ। अच्छा। और मेरी स्ट्रेटजी जो है वो भी मेरे ऐप के अंदर ही है। तो मतलब टीचिंग से और सब ब्रोकरशिप कह सकते हो उसको आप, यूट्यूब और मेरा ट्रेडिंग। ओके, तो करीबन 4-5 इनकम सोर्स है जी। अभी अगर मैं बात करूं आपके पोर्टफोलियो की, मतलब कुछ है नहीं, मैं मतलब सिर्फ ट्रेडिंग से ही अभी काम चल रहा है? नहीं भाई, मेरे को जो आता है मैं वही करता हूँ। मेरे को स्कैल्पिंग आती है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। मैं कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं जाता, लॉन्ग टर्म नहीं खेल रहा, ना मैं स्विंग किया, ना मैं, मेरा कोई पोर्टफोलियो है, सिर्फ स्कैल्पिंग, सिर्फ ट्रेडिंग ही करता हूँ बस, कोई पोर्टफोलियो नहीं। पर ऐसा है कि बनाने वाले हो? हाँ, मैं अलग सोचा हूँ, रियल स्टेट मतलब कि वहाँ इन्वेस्ट किया जाए, वहाँ पे एक अपने पास होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास देखो, मेरे पास अभी खुद का घर नहीं है। हाँ। अभी क्योंकि लास्ट ईयर मैं लॉस वाले फेज में था, ये अभी प्रॉफिटेबल हो रहा है, ये वाला फेज अभी मेरा जो एक साल के अंदर ही पूरी ट्रेडिंग ने चेंज किया है। तो अभी एकदम से, एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है कि उसके पास एट अ टाइम उसका एक कैपिटल जो है होना चाहिए। अगर मैं उसको ऐसी जगह डाल दूंगा जहाँ से जहाँ अटक जाएगा, वहाँ मैं नहीं डालना चाहता, धीरे धीरे करके करेंगे। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाँ, कि आपने अभी तक ट्रेडिंग से क्या क्या ले लिया है? महंगी महंगी चीजें नहीं, देखो सबसे पहला मैं सिस्टम पर बहुत खर्चा किया हूँ। अच्छा। मेरा सेटअप, मैंने टैब से स्टार्ट किया। हाँ। 19,000 का टैब लिया था, और जो सेकंड हैंड फोन लिया था मैंने, क्योंकि मेरा फोन जमा हो गया था वहाँ जब मैं डिफेंस को क्विट किया था, तो भी मैंने 19,000 का लिया था। तो मैंने अपना स्क्रीन लिया, वो 80,000 का पड़ा था। तो ऑलमोस्ट मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप पे ही 7-8 लाख का सेटअप ही सेटअप में खर्चा हुआ है, मतलब वहाँ पर किया है। तो उसके बाद मैंने बाइक लिया था, पापा को भी गाड़ी गिफ्ट किया था। अभी आपने एक और गाड़ी लिया शायद? अभी मैंने, हाँ, हैरियर लिया, टाटा हैरियर। तो ये सारी चीज़ें। हाँ। तो आप यार, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, आपके जो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, उन्होंने एक चीज़ आप में नोटिस करी है कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हो एंड आप कंसिस्टेंट बहुत हो, तो वो किस तरीके से, डिसिप्लिन कैसे आता है कि यार हर दिन ट्रेडिंग करनी ही करनी है? नहीं, हर दिन ट्रेडिंग करनी करनी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि हर दिन करना ही करना है, लेकिन अब मैं स्कैल्पर हूँ तो वो हर दिन मार्केट स्कैल्पर के लिए है। नहीं, मतलब कंसिस्टेंट कैसे होता है? कंसिस्टेंट ये डिफेंस ने सिखाया। अच्छा। मैं रहा वहाँ, सब कुछ जितना भी मैं करता हूँ, जितनी मैं 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग की है, तो डिफेंस एक आदमी को ऐसा बना देता है कि अगर उसने एक चीज़ सोची है तो करेगा, उसको मिस नहीं कर सकता। तो मैं वहीं से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आती है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने कुछ कंसिस्टेंट रहने का प्लान किया, उसको ब्रेक करोगे, तो फिर वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे, कि मेरे को इससे ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन आप, वो ब्रेक हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी ऐसी चलती है मेरी, मतलब यही है अभी। यही है। अच्छा, अगर कोई नया बंदा आ रहा है ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या आप उनको एडवाइस या टिप्स देना चाहोगे? पहली चीज़ लर्निंग, ठीक है,
ट्रेडिंग में घुसना नहीं है। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आना। ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मेरे को आप सब देखेंगे, हम सभी ट्रेडर्स को देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यही है भाई, आप इक्विटी में ट्रेड कर लो ना, कैश में जाओ आप, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC, ये सारे जितने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं इन पर तो काम करो, तभी तो आप कोई इंडेक्स पकड़ोगे, तभी तो आप ऑप्शन ट्रेड करोगे। तो कैश में पहले काम करो, पहले इक्विटीज में काम करो। सीखने वाला जो एक फेज है, एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल अपने आपको सीखने के लिए दो, उसके बाद अर्निंग वाला फेज होता है। और स्टार्टिंग के आपने देखा होगा मैक्सिमम जो एक रेट है कि स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर एक ट्रेडर वाइप आउट हो जाता है मार्केट से, उसका मेन रीजन ये है कि 6 महीने के अंदर तो कमाना चाहता है। सही बात है, आपको यहाँ सालों लगते हैं, है ना, वो रियलिटी है मार्केट की, उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट भी नहीं करते, आपको लगता है कि मेरा आज बन गया तो यही रियल है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली लोग ट्रेडिंग को एज अ जुआ समझ के आ जाते हैं। हाँ, तो इस वजह से उनका माइंडसेट रहता है कि जल्दी से पैसा कमाओ और जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर जुआ, आप अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना चीज़ें सीखे करो तो जुआ ही है। कोई भी चीज़ में बिना सीखे चीज़ें करोगे तो जुआ है। सीख के मैनेज करके, रिस्क को कैलकुलेट करके कोई चीज़ करे, वो बिजनेस। तो रिस्क कैसे मैनेज करते हो आप? रिस्क सर मेरा एक लूजिंग कैपेसिटी है, अगर मैं जैसे कोई ट्रेड में घुस रहा हूँ, ठीक है तो मैं 5 लाख से उस ट्रेड में स्कैल्प करने जा रहा हूँ, मुझे पहले ये पता है कि मैं ये ट्रेड लेने तो जा रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, 100 पॉइंट है तो 110 जाएगा, ठीक है, लेकिन इस 10 रुपए के बदले मैं देना कितने, देने के लिए क्या, मतलब मैं कितना देने के लिए तैयार हूँ। तो जो वो प्री डिसाइडेड जो आपका प्लान होता है ना, ट्रेड प्लान, कि मैं इतना लूज करने के लिए रेडी हूँ इस ट्रेड में, वही आपका रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन हम मैक्सिमम लोग रिटेलर्स, हम लोग को डिसाइड नहीं करते, हमको चाहिए कि हम आए, हमें इतना प्रॉफिट मिल जाए, लॉस आए फोन को जेब में रख के बैठ रहते कि यार अब तो ऊपर चल ही जाएगा। तो आप कितना एक ट्रेड में घुसने से पहले कितना लूज करने के लिए रेडी हो, वही आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, और कोई टिप अगर आप देना चाहो? और यही दूंगा कि सीख के करो, बिना सीखे करोगे तो मेरा ऐसा हश्र हो जाएगा जैसा मैं जिस फेज में घुस गया हूँ। और दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, आप अगर 1 लाख रुपये अपने डीमैट अकाउंट में डाल लो, आप सिर्फ उसका 25% ही यूज़ करो, 25% ही यूज़ करो ट्रेडिंग में, और बाकी सारा 75% आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो या कहीं भी डाल सकते हो। पूरा का पूरा 1 लाख को 2 लाख बनाने के लिए बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि 1 लाख जीरो बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपको पता ही है विन रेट 1% है, या पूरी ट्रेडिंग में ही आप स्टॉक मार्केट में विन रेट 10% है, तो मेहनत तो हर जगह पूरा ही लगेगा। किसी अदर सेक्टर वर्सेस ट्रेडिंग मेहनत बराबर ही लगता है, सेम विन रेट वहाँ भी होता है, सेम विन रेट यहाँ भी है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा यार, टाइम बिल्कुल एटलीस्ट 1 साल तो देना पड़ेगा। 1 साल से पहले सोचो मत कि पैसा बन जाएगा। सही है। अब फॉर मोटिवेशन आप बता दो कि यार अब एवरेज ट्रेडिंग से मंथली कितना कमा रहे हो? यार देखो, ट्रेडिंग से हम मंथली इनकम नहीं कह सकते, कि जैसे ये मेरा लॉस में महीना है, लास्ट मंथ मेरा 5-6 लाख के आसपास था स्कैल्पिंग, उससे पहले मेरा 12-13 लाख के आसपास था, उससे पहले मेरा 16 लाख के आसपास गया था। मेरा हाईएस्ट जो प्रॉफिटेबल मंथ रहा है वो है 42 लाख सितंबर 2022 का। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, सारे सोर्सेज मिला के तो मेरा अभी रहता होगा अराउंड 20 लाख के आसपास पर मंथ। काफ़ी सही है यार। आपकी सैलरी कितनी थी जब आप डिफेंस में थे? हाँ, डिफेंस में अराउंड 45,000 पर मंथ। बहुत ही बढ़िया जर्नी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डिफेंस को अपन सैलरी की नज़र से बिल्कुल नहीं देखते, और सैलरी की वजह से भी मैं वहाँ बिल्कुल नहीं गया था, वो मैं स्टेप मैंने जो गलत ले लिया, तो उसके बेसिस में अभी मैं ट्रेडिंग में आ गया हूँ, बट डिफेंस के लिए जो था जज्बा जुनून रिस्पेक्ट वो पहले से थी, है और रहेगी। तो डिफेंस की सैलरी को मैं इसलिए नहीं कहता कि मैंने, मैं पहले इतना कमाता था, अब मैं इतना कमाता हूँ, क्योंकि वो उसको आप सैलरी से काउंट नहीं कर सकते, डिफेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते सैलरी से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो दोस्तों, ये थे कुछ वीडियो दिनेश भाई के साथ, जिनको हम प्यार से स्टॉक बर्नर भी बोलते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो यार कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हो, लाइक वगैरह का कोई एम नहीं है, जितना चाहे आप लाइक भी कर सकते हो। एम स्टॉक पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो और जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठाना चाहते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाइए और अकाउंट ओपन कर लीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अब देखो, आगे जाके ना मैं और भी ट्रेडर्स के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो कोई क्वेश्चन है या किन ट्रेडर के साथ करूँ उनका जो भी डिटेल है आप मेरे को बता सकते हो, कौन से क्वेश्चन पूछो वो भी बता सकते हो, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और अच्छे शख्स के साथ एक नया पॉडकास्ट लेके। जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।
Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.